वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मुझे आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका दोस्त सोहेब अलवी। और दोस्तों आज हम सुनेंगे आपके साथ जनाब इमरान प्रताप गड्डी साहब को। उन्होंने 2016 में एक नज्म कही थी, उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने उसको बयान किया था अपनी नज्म में, एक बेटी के दर्द को उन्होंने बयान किया था। तो दोस्तों आइए आपके साथ मिलकर आज सुनते हैं हम जनाब इमरान साहब की वो नज्म, और देखते हैं इमरान साहब ने किस तरह एक बेटी के दर्द को अपने अल्फाजों में पिरोया। आए दोस्तों एक नज्म पढ़ता हूं साहब। जी सर। मेरी आंखों में एक बेटी है 18 19 20 साल की, उस बेटी के दामन में कुछ लहू के छींटे हैं और वो अपने उन छींटों के साथ मीडिया के सामने आकर के कहती है कि मेरा नाम साजिदा है, मरहूम अखलाक साहब की बेटी हूँ, मुझे दुनिया से, सिस्टम से, लोगों से बस इतना कहना है कि क्या अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो मेरा बाप लौटा सकोगे। बस उस बेटी को जहन में रखें, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब ये नज्म शायद और अहम हो जाती है। पढ़ता हूँ, थोड़ी देर आपका मन मांगता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म पढ़ता हूँ, अबरार भाई सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है, के भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्त
दूतों के जरिए ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौट क्या कहने इमरान भाई वाह 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 बताओ मेरा बाप लौट सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। जिस दिन का ये वाकया है उसके दो दिन बाद मैं दिल्ली था एक मुशायरे में जामिया में, अरविंद केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मुझे पीछे से कहा गया कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज लोगों के कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। छींक आने तक पे ट्वीट होते हैं साहब, लेकिन 40 किलोमीटर दूर न तो लहू दिखता है, न लाशें दिखती हैं, न रोती हुई बच्ची दिखती है। तब मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं ये सच की फरामोशियां कह रही हैं थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। दोस्तों आज भी इस नज्म को सुन के आंखें नम होने को है, लगता है कुछ लोगों की हो भी गई होगी। इतना दर्द इमरान साहब ने अपनी नज्म में पिरोया है अपने अल्फाजों से, अपने हरफों से, अपने लफ्जों से कि क्या कहना। सच में दोस्तों 2016 का ये केस ज्यादातर सबको याद ही होगा, जब एक अखलाक नामी शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उस पे शक हुआ कि कहीं इसके घर में गाय का गोश्त तो नहीं था। ये पाप हुआ था दोस्तों 2016 में, और जिसपे सब खामोश थे, मीडिया भी खामोश, टीवी चैनल्स खामोश, नेता खामोश। तब इमरान साहब ने नज्म कही और क्या दर्द भरे अल्फाजों से पिरोया, और एक बात इमरान साहब ने अपनी नज्म में कही, ये जो भारत के दामन पे धब्बा लगा है। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोगों को इमरान साहब की नज्म बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी होगी। इमरान साहब के लिए दुआ कीजिए, इमरान साहब के लिए दुआएं कीजिए। दोस्तों इमरान साहब अपनी नज्मों में, अपनी गजलों में, अपने शेरों में वो दर्द लाते हैं कि क्या कहना। अब तो इमरान साहब एक अच्छे नेता भी है कांग्रेस के, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता करे, अल्लाह इन्हें कामयाब करे इनके मकसद में जो इनका मकसद इन्होंने सोचा हुआ है। दोस्तों चले ये तो ही राजनीति वाली बातें। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन मुशायरा वीडियोज देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन नज्म गजल लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही हमारे साथ साथ सफर करते रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे बाद में
एक अच्छी और बेहतरीन मुशायरा वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें। अलविदा।